हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जैसी भी पढ़ाई चल रही होगी उसको कंटिन्यू रखे होंगे। दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 26 है। इसके पहले मैंने 25 प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 से ज़्यादा भी रहते हैं किसी किसी में। बट आपके लिए सबसे सूटेबल ये है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं ना, एग्ज़ाम से पहले लगा लो, क्योंकि भैया एक बार अगर आप लगा लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन में वो हेल्प करेगा। आपके मार्क्स कम से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखना पूरा अगर आप लगाते हो तो। बहुत लोगों ने 10 लगाया है, 12 लगाया है, लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा छोड़ा है उनको मैं सजेस्ट करूँगा, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, आप उसे विजिट करें और जाके पूरा लगाओ, क्योंकि जो लोग लगा चुके हैं वो आपसे बहुत आगे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, भले भी कैसा भी सिचुएशन हो, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई? अब इसको जरा समझिए, ये मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको, ऑन द बोर्ड तो नहीं पढ़ाया है लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर के ही माध्यम से पढ़ाया है। तो ये आप देखोगे, बजट पे बहस करने का एक तरीके से राइट जो मिला वो कब मिला? ऑप्शन है 1861 अधिनियम, 1909, 1892 या 1919। तो ये मिलता है 1892 में। अब देखिए, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जिसमें कुछ कुछ प्रोविज़न किए जाते हैं। अब इसमें कुछ इंडियंस को सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। तो फिर से अच्छे से समझते हैं, 1861 में सिर्फ पार्टिसिपेशन मिला था, बट 1892 में बजट पर बहस करने का भी राइट प्राप्त हो गया, धीरे धीरे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ इंडिया को भी 1892 में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, कई सारी चीज़ें जो हैं ये आपको समझनी चाहिए 1892 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट आया है 1892 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मेन चीज़ें जो हैं मैं आपको खुद ही बताता रहूँगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय लाया गया। इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें लाई गई, अब हम थोड़ा फास्ट होते हैं और बहुत अच्छे से तेज़ी से रिविज़न करते हैं। तो 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ना कि भारत का। इसलिए ध्यान से सुनिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1833 में। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सुनते जाना है, लिखते जाना है, नोट करते जाना है। इस समय सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, और इसमें 3 अदर जज होते थे, 1 चीफ जज, मतलब 4 टोटल होते थे, 1 + 3। ओके, अगला है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया था 1773 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के द्वारा विच एक्ट इस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट, मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो संघीय न्यायालय, ये दोनों दो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संघीय न्यायालय। अब यहाँ पे बात की जाएगी संघीय न्यायालय की कब आई, जो आज आप देखते हो ना, ये पहले कहीं और था। तो ऑप्शन एक है 1861, 1909, 1919 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आया है 1935 के अधिनियम में। ओके, और ये फेडरल कोर्ट, हालांकि आज इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। ध्यान से सुनिए, मैंने इस पर क्विज भी डाला था और क्विज में बहुत लोगों ने सही भी किया था, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र में द्वैध शासन, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट इन सेंटर, इस्टेब्लिश्ड बाई विच एक्ट? केंद्र में द्वैध शासन, मैंने जब इस पर क्लास ली थी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्ट दिया था। एक तरफ मैंने 1919 रखा था, दूसरी तरफ 1935 रखा था, और दोनों में क्रॉस रिलेशन समझाया था। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या आया, और फिर वो इधर जाके बाइकैमरलिज्म, जैसे उदाहरण लेते हैं बाइकैमरलिज्म का। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म ना सेंटर में सबसे पहले आता है 1919 में,
और प्रोविंस में आता है 1935 में। द्विसदनात्मक को बाइकैमरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है डायर्की व्यवस्था जो है, ओके, जिसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ये सबसे पहले कहाँ आता है? तो डायर्की जो है सबसे पहले आता है प्रोविंस में और 1935 में आता है सेंटर में। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गई। जो 1919 में आता है वो इस समय इसमें नहीं आता है, और जो इधर आता है वो इधर नहीं आता है। तो ये मैंने रिलेशन आपको बताया था, ठीक है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में ये कौन से में आया है? राइट आंसर बहुत लोगों का सही भी है, 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था देखिए बहुत ही डीप है। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकारनी में सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केवल एक, केवल दो और तीन, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। हाँ, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा अगली बार से इंग्लिश ऑप्शन भी रहे अच्छे से, ठीक है। तो अभी दो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये किसी और में आया था, ठीक है। 1909 के फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट में ये कहा गया था। तो केवल एक और तीन होगा, तो ऐसे ऑप्शन जब आए। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी 1909 में, जिसे लॉर्ड मिंटो ने लाया था। तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच विधान भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक बनाई गई? मैंने अभी आपको समझाया है द्विसदनात्मक सबसे पहले कहाँ आया? सेंटर में, और कब आया? 1919 में। बाद में 1935 में प्रोविंस में, मतलब राज्यों में भी आया। तो आप यहाँ समझ भी गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहिए साथ में, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। पहली बार विजिट किए हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करो चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके बहुत सारे यूज़ के हैं, और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हैं, चैप्टर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाता है? तो ये आपको पता भी है, 1919 एक्ट। हाँ, कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वो किस एक्ट में आया? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बताइए। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। तो ये है 1935 के एक्ट में, राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विच एक्ट मेड पॉसिबल फॉर ओन सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस? तो ये था सबसे पहले बार ये कोशिश की गई थी 1833 में। अब ये क्यों किया गया था बताइए इसको, क्योंकि इसमें कोशिश की गई थी, सॉरी 1833 इसका राइट आंसर नहीं होगा, बहुत लोग सही भी हैं, इसका डी राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, आई विल करेक्ट इट। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद सबसे पहले बार 1861 में कुछ इंडियंस को शामिल किया गया था वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीन लोगों को इंक्लूड किया गया सबसे पहली बार 1861 के अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो आपको पता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर मेंशन्ड इन विच एक्ट, तो ये 1935 के एक्ट में। अब इस एक्ट में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या था इस एक्ट में। फेडरल लिस्ट और प्रोविंस लिस्ट, आप जो आप सेंटर लिस्ट देखते हो, स्टेट लिस्ट देखते हो और कंकरेंट लिस्ट देखते हो, इसका कॉन्सेप्ट आया था 1935 में, ठीक है। इसी में अलग अलग कौन राज्य कानून बना सकता है, कौन सेंटर कानून बना सकता है, इसकी बात की गई थी। जो रेसिड्यूरी पावर होते हैं, मतलब बचे हुए कानून, वो दिए गए थे वायसराय को, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसने प्रोविंस में डायर्की खत्म किया, ठीक है, डायर्की
ख़त्म किया और इसे केंद्र में लागू किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायर्की एट द सेंटर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 1935 के अधिनियम में कि आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना मिल जाती है, रिजर्व बैंक की स्थापना इसके थ्रू होती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आज ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं। और अगला है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1937 में इसी के बाद होती है। चलिए, एक संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैत शासन, सिंगल फेडरेशन मेंशनड इन विच आर्टिकल, तो ये भी आपको आंसर पता होगा, राइट आंसर इज 1935 अधिनियम। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन मेंशनड इन विच एक्ट, तो ये जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ये मेंशन किया गया है, बताइए। ये क्वेश्चन भी इजी है, मैंने ऊपर ही बताया था फेडरेशन की बात की गई थी भारत सरकार अधिनियम में। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी, ये एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया है, ओके। चलिए ठीक है, तो ये भी 1935 होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको इसका आंसर भी बताया है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई, रेसिड्यूरी पावर्स गिवन टू विच अथॉरिटी, तो संघीय विधान पालिका, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नरों को, प्रांतीय विधानमंडलों को, तो बताइए गवर्नर जनरल को, 1935 के अधिनियम में ये बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ के देना है आप लोगों को। देश के लिए लिखित संविधान, विधानसभा के लिए अनुचित जवाबदेह, प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समूहवाची किया जाना, तो 1935 के अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी, तो यही एक इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम में फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो बर्मा अलग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, बर्मा जो आज म्यांमार है ये अलग होता है 1935 के बाद, ठीक है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा, तो कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा, कैबिनेट मिशन आता है 1945 में और उसी के द्वारा ये व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगला है, भारत में उपनिवेश इस शासन के अंदर में 1863 में एल्बर्ट बिल, मेन पर्पस ऑफ एल्बर्ट बिल क्या था, आप जानते भी होंगे, ऑप्शन आराम से स्क्रीन पॉज करके पढ़िए। जहाँ तक अदालतों को दंडित अधिकारिता का संबंध है, भारतीय यूरोपीय, मतलब कि जो इंडियन और यूरोपियन जज थे उनको कन्ग्रुएंट करना, उनको सेम लेवल पे लाना, देश की प्रेस की स्वतंत्रता पर खड़ा, मतलब कि प्रेस लिबर्टी से रिलेटेड था, प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भारत में करवाना था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में, या फिर शस्त्र एक्ट मतलब आर्म्स एक्ट जो आया था 1878 में इसके बारे में, तो ये है सबसे ऊपर वाला जज के पावर्स की बराबरी के लिए। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये था कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, इसी के तहत किया जाता है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका फाइनल आंसर जो भी होगा कमेंट करेंगे, और साथ ही जितने भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी लगा के फाइनल स्कोर अपना कमेंट बताएंगे। इस 18 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।